नमस्कार, ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज की राशिफल की। आज मेष राशि वालों का दिन कैसा व्यतीत होएगा, कैसा चलेगा काम कारोबार, धन की स्थिति और रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी या नहीं, सभी विषयों की चर्चा करेंगे। वीडियो पर पहली बार आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय आप अवश्य ही लिखिए। तो ज्येष्ठ मास चल रहा है और इसका कृष्ण पक्ष है, आखिरी दिन है आज और आज अमावस्या तिथि है जो पूरे दिन रहेगी। रात को 9:22 तक ये चलेगी। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में 1:35 तक, तो 1:35 तक ये मेष राशि का फल देंगे और उसके बाद चले जाएंगे ये वृषभ राशि में, जो कि आपके धन का है, कुटुंब का है और वाणी का है, तो उससे संबंधित आपको रिजल्ट देंगे। आज शनि जयंती भी है और आज शनि जयंती के दिन तेल का दान करना चाहिए, तेल हमें खरीद के नहीं लाना चाहिए और साथ ही लोहे का सामान भी हमको आज खरीद करके नहीं लाना चाहिए। जिन भी व्यक्ति का शनि खराब है या शनि की दशा चल रही है उनको भगवान शनि की आराधना करनी चाहिए और साथ ही जो लोग मकान निर्माण से संबंधित काम करते हैं उन्हें कुछ न कुछ दान देना चाहिए। मेष राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा आप चर्चा करते हैं। आज का दिन मेष राशि वालों के लिए 1:35 तक इनके कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनका कार्यक्षेत्र अच्छा चलेगा। हालांकि थोड़ा सा तनाव रहेगा कार्यक्षेत्र में, परंतु इनके काम बढ़ेंगे। आय की भी इनके कोई कमी नहीं रहेगी, परंतु आय तो आएगी, खर्च पर इनको नियंत्रण रखना पड़ेगा। आज मेष राशि वालों के लिए खास बात ये रहेगी कि आज इनको कोई ऐसा कार्य मिल सकता है जिस कार्य के करने से या जिस कार्य को चालू करने से इनको भविष्य में काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा और भविष्य के इनके रास्ते भी खुलेंगे, ऐसा योग है। कहीं भी मीटिंग करनी है, कोई बड़ी डील करनी है तो आज का दिन आपके लिए श्रेष्ठ है और किसी भी तरह की बड़ी डील करने के लिए आप राहु काल का ध्यान रखिए। आज का राहु काल 10:30 से लेकर 12 तक है। इस समय कोई भी मीटिंग न करें, कोई बड़ी डील न करें, वैसे आप कोई नया कार्य आज शुरू कर सकते हैं। आर्थिक रूप से आज आप काफ़ी सफल रहेंगे और आपके आर्थिक रूप से जो भी कार्य करना चाहते हैं, जो भी रोजगार प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं आप तो राहु काल को टाल के अभिजीत मुहूर्त में करेंगे तो आपके कार्य जल्दी सिद्ध होंगे और भविष्य में लाभ दे के ही जाएंगे। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:28 से स्टार्ट है, तो दोपहर के अंदर है ये 11:28 से शुरू होके 12:21 तक ये चलेगा। इस समय आप कोई भी नया शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। आज चंद्रमा जो चल रहे हैं, पहले तो चंद्रमा चलेंगे मेष राशि में, फिर चलेंगे वृषभ राशि में। नक्षत्र का देखें तो कृतिका नक्षत्र में रहेंगे 7:29 के बाद। तो जब भी सूर्य कृतिका नक्षत्र में चलते हैं, स्वयं खुद के नक्षत्र में चलते हैं तो बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं, तो आपके लिए भी आज का दिन श्रेष्ठ है। परंतु दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ परेशानी चलती रहेगी, कुछ न कुछ खटपट आपकी होती रहेगी। वहाँ पे आप अपने जीवन साथी का सम्मान करें और रिश्तों को बचाकर चलें। जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लिए भी आज का दिन कोई खास श्रेष्ठ नहीं है। रिश्तों के हिसाब से आज लव लाइफ में भी प्रॉब्लम आने वाली है, आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है क्योंकि ये चंद्रमा जा रहे हैं 1:35 पे आपके वाणी स्थान में, तो वाणी से संबंधित कार्य आपके होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेंगी क्योंकि आज आपकी वाणी उग्र रह सकती है। विद्यार्थियों के आज ज़्यादा मेहनत से ही प्रयास करने पर ही सफलता मिलेगी, कम मेहनत पे उनके कार्य से धोते हुए नहीं देखे जा सकते हैं। परंतु धन प्राप्ति के लिए आप कोई कॉम्पिटिशन दे रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा। शनि जयंती के दिन शनि की पूजा आप अवश्य ही करें, शनिदेव के मंदिर में जाएं और वहां पे आप कार्य करें। 9:22 तक आप मौज मस्ती में रहेंगे, उसके बाद आप कार्य में लग जाएंगे और आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। परंतु सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज अपने वाणी पे कंट्रोल करना, पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा। तो ये था मेष राशि वालों का दैनिक राशिफल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज शनि मंदिर में जाना या भगवान शिव की पूजा करना आपको श्रेष्ठ परिणाम देगा। शुभ रंग आज का सफ़ेद है और शुभ अंक 9 है। वीडियो पे पहली बार आए तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आयु आरोग्य ऐश्वर्य आपका बढ़ता रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।